मस्जिदों से ऐलान करवाऊंगे तुम लोगों का कि यहाँ क्या हो रहा था। अरे करवाऊ मस्जिदों से ऐलान, सारे शहर में बताऊंगे। क्या कहते हैं, मना करने के बाद भी किस बेशर्मी की हद हो गई है। बिल्कुल नाच गाने तमाशे, और जब परेशानी आएगी तो आओगे कि दुआ कर दो, दुआ करी जाएगी तुम लोगों के लिए। अरे ये अजाब भी तुम्हीं लोगों की वजह से आ रहा है। तो सब गले फाड़ फाड़ के मस्जिदों चीख रहे इमाम लोग कि ये सब मत करो, उसके बाद भी बात नहीं आ रहे हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं HS1 92। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप हजरात को एक वीडियो दिखाने वाले हैं, जिस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि एक जगह रात 1 बजे जो है DJ बजाया जा रहा था। बजाने वाले हमारी मुसलमान थे, हमारी माएँ भी थीं उसमें, हमारी बहनें भी थीं, और जो है हमारे नौजवान भाई भी शामिल थे, ठीक है। और जो है धड़ल्ले के साथ DJ बजाया जा रहा था, और जो है खूब जो है धड़ल्ले के साथ डांस भी हो रहा था। लेकिन अचानक से जो है मस्जिद के इमाम साहब या काजी शहर या मौलाना कुछ भी जो है कह लीजिए, जो मेरी जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के मुताबिक आप लोगों तक ये वीडियो रख रहा हूँ और ये ख़बर आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। बहरहाल वहाँ पर जो है एक आलिम दीन यानी दीन की फ़िक्र रखने वाला, मुसलमानों की फ़िक्र रखने वाला, मुसलमानों की इस्लाह करने वाला एक शख्स, जिसे हम और आप अपनी ज़बान में मौलाना कहते हैं, वहाँ पर वो पहुँचते हैं तकरीबन रात 1 बजे। वो लोग धड़ल्ले से जो है डांस कर रहे थे, DJ बजा रहे थे, मेरे प्यारे से दोस्तों। उसके बाद जो है जब वो मौलाना साहब वहाँ पे पहुँचे तो मेरे प्यारे भाई उन लोगों को जो है जम करके सबक सिखाया और जम करके जो है खिंचाई की है। देखिए मेरे प्यारे से दोस्तों, हम और आप जो है लाखों रुपए का, 50,000 रुपए का अपने भाई या बहन या जो है बेटे की शादी में DJ हम बंधवा लेंगे, लेकिन हमसे ये ना होगा कि हम वही पैसा उठा करके किसी मस्जिद में जो है दे दें, या मदरसे में दे दें, या मदरसे में जो तलबा पढ़ते हैं हम जा कर के जो है उन पर वो पैसा खर्च कर दें, या जो है हमारे आसपास में जो है कोई गरीब बेटी जो है घर पे बैठी हुई है, जो सिसकियाँ ले रखी है, इसकी शादी होना है लेकिन बाप गरीब है, हालात अच्छे नहीं हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये नहीं होता है हमारे मुसलमानों से कि हम जा कर के उस गरीब बेटी की जो है शादी करा दें और कहें कि आप रिश्ता देखें, और शादी का सारा खर्चा हम खुद देखते हैं। मेरे प्यारे ऐसे दोस्तों, गरीब बेटे की शादी 50,000 रुपए में, ठीक है, आराम से हो जाएगी, उसका आराम से निकाह हो जाएगा, उसका जो है एक घर बस जाएगा, वो भी जो है आपको दुआएं देगी, और जो उसकी नस्लें आएंगी वो भी जो है आपको दुआएं देंगी, और कल जो है आपके लिए जो है नेकी का ढेर तैयार होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी हर एक इंसान को ज़रूरत है मरने के बाद। हर एक इंसान जानता है मरने के बाद धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी काम नहीं आने वाला। अगर कुछ भी काम आने वाला है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे आमाल हैं। अगर हमने अच्छे आमाल किए हैं, नेकियां कमाई हैं, हमने किसी गरीब की मदद की है, किसी नंगे को कपड़ा पहनाया है, तो हमारे काम सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ें आएँगी, ना कि जो है जो हमारे पास दौलत है, पैसा है, रुपया है, ये जो है वहाँ पर काम नहीं आएगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, वहाँ जो है जब हमारे माँ बाप साथ छोड़ देते हैं तो फिर ये रुपया पैसा क्या है, कोई भी माने नहीं रखता है। खुदारा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मैं वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाता हूँ जो मौलाना साहब वहाँ पर गए, बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत अच्छा जो है आवाम की इस्लाह की, आवाम को समझाने की कोशिश की, और वहीं पर जो है उन लोगों को उस जो है गुनाह से जो है तौबा कराया, और आइंदा जो है ना गुनाह करने के लिए भी जो है कहा कि हम आइंदा से रब की बारगाह में तौबा करते हैं कि हम आइंदा से ऐसा कोई भी गुनाह नहीं करेंगे। इस तरह से जो है मौलाना साहब ने आवाम को तौबा कराया। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मालिक मौला उस आवाम को, जितनी भी वहाँ पे आवाम हाजिर थी, जितने भी लोग हाजिर थे, जिन जिन लोगों ने तौबा किया मालिक मौला,
उन तमाम लोगों को जो है इस तौबा पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी हमारे मुसलमान हजरात इस गुनाह के काम में भटके हुए हैं ए अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो है आकाए करीम अलैहिस्सलाम के वसीले से जो है इन तमाम गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आइए दोस्तों, आप लोगों का वक्त ना लेकर के हम आप लोगों को वीडियो सुनवा देते हैं, और उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल दांत फट रहे हैं इन लोगों के। मस्जिदों से ऐलान करवाऊंगे तुम लोगों का कि यहाँ क्या हो रहा था। अरे करवाऊ मस्जिदों से ऐलान, सारे शहर में बताऊंगे। क्या कहते हैं मना करने के बाद भी किस बेशर्मी की हद हो गई है। बिल्कुल नाच गाने तमाशे, और जब परेशानी आएगी तो आओगे कि दुआ कर दो, दुआ करी जाएगी तुम लोगों के लिए। अरे ये अजाब भी तुम्हें लोगों की वजह से आ रहा है। तो सब गले फाड़ फाड़ के मस्जिदों चीख रहे इमाम लोग कि ये सब मत करो, उसके बाद भी बात नहीं आ रहे हो। रात के 1 बज रहे हैं, 1:05 हो गए, मुझे कितनी देर से खबरें आ रही हैं, फिर मैं मतलब वहां से जामा मस्जिद चल के आ रहा हूँ यहाँ पर। अरे हमारा तुमसे कोई तुम सगे तो हो नहीं, हमारे मुसलमान भाई तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारी इसलाह करने चाहते ना, तो सारे जिसके भी घर में होगा, और ये मैं ऐलान करवाऊंगा तुम्हें, तो ना तुम्हें फातिया के लिए आदमी मिलेगा किसी मदरसे से, और ना ही तुम्हारी कुरान खानी आऊंगी। अरे चुल्लू में डूब के मर जाए ऐसे लोग के मतलब पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है मतलब इतना जुल्म और ज्यादतियां हो रही है, मजारें तोड़ी जा रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, घर घर दांव पर लगे हुए हैं, और मतलब सारे हराम काम करे जा रहे हैं। अल्लाह को राजी करने की जरूरत ही नहीं है। तुम सोचो कि जब वो दिन आएगा, फिर से वो दिन आएगा, तो फिर कहना कि दुआ कर दो हमारे लिए, हमारे मकान बच जाए। चलो खत्म करने की बात नहीं है, मुझे तकलीफ हो रही है दिल से, तकलीफ रात के 1 बज रहे हैं। हम समझा रहे हैं, हम नौकर तो हैं ही तुम लोगों की, समझ लो, हम तुम्हारी इसलाह करना चाहते हो। नौकर नौकर नहीं है किसी के यहाँ पर। अब सबसे बड़ा बेशर्मी ये होती है कि लोग हंसते हैं, फिर बच्चे हंसे कि ये औरतें और ये फिक्र नहीं, समझदार नहीं है कि इनमें अकले नहीं है, दांत फाड़ती है। चलो सब लोग कलमा पढ़ो और तौबा करो, जैसे मैं कहता हूँ, दांत फाड़ के नहीं दिल से तौबा करना। बिल्कुल सब लोग कहो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैही। या अल्लाह, हम तौबा करते हैं इस तरीके के गुनाह, इस तरीके के गुनाह, नाच गाने बाजे वगैरह, नाच गाने बाजे वगैरह, हर तरह के गुनाहों से, हर गुनाह हम तौबा करते हैं, तौबा करते हैं, और आइंदा आइंदा ऐसे कामों से, ऐसे कामों बाज रहेंगे, बाज रहेंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा। सब कलमा पढ़ो आवाज में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल खुदा के लिए हल्के में मर लेना।